क्वेश्चन नंबर 45, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है ना, ध्यान दीजिएगा, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, गणित की एक अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, देखिए क्वेश्चन सरल है। पहला, गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, तो होना ही चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं और क्या क्या ऑप्शन पे हैं। बी नंबर, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। सी, बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए, ये तो खैर अभ्यास से आएगी। डी, अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं बी सी डी, सभी गणितीय शिक्षण के लिए होना चाहिए, लेकिन आवश्यक है कि एक अच्छी अध्यापिका के लिए। अच्छा अध्यापक हम किसे कहते हैं दोस्तों, शिक्षण, अब एक टीचर क्या होता है, टीचर उदाहरण देने वाला होना चाहिए, उदाहरणों का भरपूर नॉलेज होना चाहिए उसे, है ना। तो अगर हम व्यापक रूप में देखें तो गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए, इसका करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर ये चीज़ है तो बाकी चीज़ तब आएगी जब ये चीज़ आएगी, तो ए नंबर इसका सही आंसर है। अब हम चलते हैं 46, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखिए ये जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और समस्याएं से क्वेश्चन बनाई गई है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं, जरूर होता है। बी, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। डी, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बेनिफैक्टर कौन सा आंसर है देखते हैं। अब देखिए वंस अगेन, गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब देखिए वे सी नंबर देखते हैं, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। अब देखिए जरूरी नहीं कि ये प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए लाभकारी हो, है ना, तो इसमें सी निकल जाएगा, है ना, क्योंकि सी लग नहीं रहा है। अब देखते हैं बी, वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर ही प्रदान करें, वे हो सकता है कि जो शिक्षक बता रहे हैं उसी से वे समझ सकते हैं, है ना। और ए नंबर देखते हैं, वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दैनिक चर्चा के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाते हैं। ए और देखते हैं डी, वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए और डी में डी ज़्यादा सही है, क्योंकि ये जो मंद गति सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए ये जो मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप हैं और चुनौतीपूर्ण ज्यामिति पहेलियाँ हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी है दोस्तों। फिर हम चलते हैं 47 की ओर, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है, इनका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है, तो चलिए देखते हैं इसका। पहला, विद्यार्थियों के गणित में समस्या समाधान कौशल। बी, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता। सी, गणित में गणना के कौशल तथा गति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गणित में गणना के कौशल, और हम लोग जानते हैं कि वैदिक गणित किस काम पे आता है। डी, विद्यार्थियों की गणित में परिकलन प्रक्रिया की समझ तो बाद की बात है, लेकिन यहाँ गणना के कौशल तथा गति ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तेज़ी से हम गणितीय प्रक्रियाओं को कर लेते हैं, इसलिए इसका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। पहला, सामान्य त्रुटियों का पहचानना। बी, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा। सी, विद्यार्थियों के ग्रेड श्रेणी और रैंक स्थिति। डी, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ आपको पहले समझना होगा कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है। ये क्रिएटिव एवलुएशन की बात कर रहे हैं। तो अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए नंबर तो नहीं हो सकता त्रुटियों को पहचानना, बी नंबर भी नहीं हो सकता है क्योंकि क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, विद्यार्थियों की ग्रेड श्रेणी और रैंक की स्थिति रचनात्मक मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं है, है ना, अंतर्निहित नहीं है। लेकिन डी, अधिगम में असंगति, अधिगम मतलब होता है सीखना, सीखने में जो असंगति उत्पन्न होती है उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन के जरिए उसको पा सकते हैं, और शिक्षण में कहाँ कमी हो रही है, हम क्या प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं जिसके कारण हम बच्चों को सिखा नहीं पा रहे हैं, इसे रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित होता है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर, एक शिक्षक गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। ध्यान दीजिए, गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उन्हें चर्चा में शामिल करती है, ठीक है, चर्चा में शामिल करती है, वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है। ध्यान दीजिएगा, गणित के सम प्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है। इसका ऑप्शन देखते हैं, ए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, बी, एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए, सी, गणित शिक्षक के संकीर्ण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, उसके बाद डी, गणित शिक्षक के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों, ये तो इजी है, विद्यार्थियों व्यवहारिक क्षमताओं के विकास के लिए इस चर्चा का शामिल करती है ना, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिमाप के बारे में पूछती है, जैसे कोई आकृति दिया होगा उसके परिमाप के बारे में पूछती है, वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने के लिए भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी, यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। पहला नंबर, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। बी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता। सी, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणित प्रवीणता। बी तो नहीं होगा दोस्तों, सी हो सकता है। डी, कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। डी नहीं होगा। अब ए और सी बच गए, परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ, परिमाप के संप्रत्यय की समझ है उसको तभी ना वो बता पा रही है, लेकिन इसका डी और डी तो हो नहीं सकता, इसका सी सही है क्योंकि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता, उसके पास भाषा की प्रवीणता उतनी नहीं है लेकिन उच्च स्तरीय गणित की प्रवीणता है, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। पहला, दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना। बी, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। सी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। डी, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। सी और डी तो नहीं हो सकता दोस्तों, देखते हैं ए और बी। दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना, इससे इसका कोई दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता, बच गया बी, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। दोस्तों, ये इसका सही आंसर है, बी नंबर। अब देखते हैं 52,
कक्षा 5 A के 13 विद्यार्थियों तथा कक्षा 5 B के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। देखिए दोस्तों, कक्षा 5 A/B के दो समूह हैं जिसमें 13 विद्यार्थी और 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार हैं, जैसे कक्षा आ के अंक इस प्रकार हैं और ब के अंक इस प्रकार हैं। दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, देखिए दोस्तों, ठीक है। कक्षा 5 A का प्रदर्शन बेहतर रहेगा क्योंकि कक्षा 5 A का औसत प्राप्तांक अधिक है, ठीक है। इसको औसत निकाल के देखना पड़ेगा, औसत अधिक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोनों विभागों का प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर है। सी, दोनों विभाग प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभाग के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 100 है। डी, दोनों विभाग प्रदर्शन समान रहा क्योंकि दोनों विभागों के द्वारा प्राप्त अधिकतम अंकों का मान 18 है। दोस्तों, अगर आप इसको, अगर ये जो ए नंबर दिया गया है, कक्षा 5 A का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि कक्षा 5 A का औसत प्राप्तांक अधिक है, अगर आप निकाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि ए नंबर इसका करेक्ट सही है, बाकी वो गलत है। तो अगर इसको आप स्वयं निकाल सकते हैं, औसत प्राप्तांक अधिक है इसका, तो ए इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं हम, ये सारे क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करा दिया है जब हम अर्थमेटिक सॉल्व कर रहे थे। तो दोस्तों, इस प्रकार यह समाप्त हो, बाकी बचे क्वेश्चन को मैं फिर से एक नई वीडियोस में सॉल्व करके आपको बताऊंगा।